हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ प्लेन पराठे को प्रिजर्व करने का तरीका शेयर करूंगी। आप इस तरीके से इन पराठों को बना करके फ्रीजर में रख के आराम से 1 से 1.5 महीने तक यूज कर सकते हो, बिल्कुल भी खराब नहीं होंगे। इस तरीके से हमारे बहुत ही बढ़िया एकदम क्रिस्पी पराठे बनकर के तैयार होते हैं। आप इनको बना करके चाय के साथ, अचार के साथ या फिर सब्जी के साथ सर्व करें, बहुत ही बढ़िया लगते हैं। आप भी मेरी इस रेसिपी को एक बार ट्राई जरूर कीजिएगा। आई होप आपको मेरी रेसिपी जरूर पसंद आएगी। वीडियो को फुल देखिएगा, स्किप बिल्कुल ही मत करिएगा। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए देखिए, मैंने आधा किलो मैदा लिया है। अभी मैदे को हम छन्नी से छान लेंगे। अब इसमें आधा चम्मच नमक डालेंगे। इसमें 2 चम्मच पिसी हुई शक्कर डालेंगे। शक्कर से क्या है, पराठे का कलर और टेस्ट दोनों ही अच्छे आते हैं। अभी शक्कर को नमक को मैदे में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अभी देखिए, मैंने हल्का सा गुनगुना पानी लिया है। इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे, उसका सॉफ्ट सा डो लगा कर तैयार कर लेंगे। ये मैदे को देखिए, मैंने इकट्ठा कर लिया है। अभी प्लेटफॉर्म को अच्छे से साफ कर लेंगे। अभी मैदे को देखिए, इस तरीके से मसलते हुए बढ़िया सॉफ्ट होने तक गूंद लेंगे। ये मैदा देखिए बढ़िया सॉफ्ट हो चुका है। इसको गूंदने में हमें करीब 4 से 5 मिनट लगे हैं। अब इसको देखिए, इस तरीके से इकट्ठा करेंगे। अब देखिए, इस तरीके से कोई भी बाउल लेंगे, ये मैदे को बाउल में रख देंगे। अब इसमें हम खाने के 2 चम्मच जितना रिफाइंड ऑयल या फिर देसी घी ऐड करेंगे। मैंने रिफाइंड ऑयल लिया है, इसमें घी या ऑयल थोड़ा ज्यादा ही डालेंगे। अब इस ऑयल को मैदे पे सब तरफ अच्छे से लगा देंगे। अब इसको ढक करके कम से कम आधे से पौन घंटे के लिए गर्म जगह पर रख देंगे, जिससे क्या है, मैदा अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगा। ये मैदे को मुझे ढककर रखे हुए करीब 2 घंटे हो चुके हैं। इसको ढककर रखने की वजह से देखिए, मैदा कितने बढ़िया तरीके से सॉफ्ट हो गया है। अब इसमें ऑयल के अच्छे से एब्जॉर्ब होने तक इसको दोबारा से गूंद लेंगे। इसमें ऑयल भी देखिए अच्छे से एब्जॉर्ब हो चुका है। अब इसमें से देखिए, हम इस तरीके से पेड़े बनाएंगे। आपको जितने बड़े पराठे बनाने हो, उस हिसाब से आप ही पेड़े बना लें। अभी इसमें हल्का सा ऑयल लगाएंगे। ये पेड़े बना बना करके इसमें रख देंगे। अब इनमें फिर से ऑयल लगाएंगे। अब इनको दोबारा से 15 से 20 मिनट के लिए गर्म जगह पर ढककर रख देंगे। इन पेड़ों को भी ढककर रखे हुए करीब आधा घंटा हो चुका है। ये पेड़े देखिए अच्छे से सेट हो गए हैं। अब हम इनके पराठे बनाएंगे। इनमें से एक पेड़ा लेंगे। अब इस पेड़े को देखिए, दोबारा से इस तरीके से गोल करेंगे। अब इस पराठे को बढ़ाने के लिए देखिए, हम इस तरीके से कोई प्लेन सी पॉलीथीन लेंगे, पॉलीथीन में पराठे को बढ़ाएंगे। अब जितना बड़ा आपको पराठा रखना है, उसी हिसाब से आप इसको बढ़ा लें। आप चाहो तो इसको प्लेटफॉर्म पर बढ़ा सकते हो, लेकिन प्लेटफॉर्म पर से उठाने में क्या है, फट सकते हैं। ये पराठे को देखिए, मैंने बढ़ा लिया है। अब आप चाहो तो देखिए, इसको डायरेक्ट इस तरीके से भी स्टोर कर सकते हो। इस पे दूसरी पॉलीथीन रख देंगे। अब इसको इस तरीके से उठा करके डायरेक्ट फ्रीजर में रख सकते हैं, लेकिन मैं आपको पराठे को स्टोर करने का एक तरीका और बता देती हूँ। अभी पराठों को स्टोर करने के लिए देखिए, मैंने थोड़े से बटर पेपर लिए हैं। बटर पेपर को मैंने कट कर लिया है। अभी मैं देखिए, इस तरीके से एक पेपर लेंगे, इसको इस तरीके से जमाएंगे। अब इसको देखिए, इस तरीके से उल्टा कर देंगे। अभी पॉलीथीन को इस पे से निकाल लेंगे। अब इस पे दूसरा बटर पेपर लगा देंगे। अब इसको देखिए, हाथ से हल्का से इस तरीके से सेट कर देंगे। अभी हमारा एक पराठा फ्रीजर में रखने के लिए तैयार है। मैंने आपको फ्रीजर में पराठों को रखने के 2 तरीके बता दिए हैं। आप आपके पसंद के हिसाब से किसी भी तरीके से इनको स्टोर कर लें। अगर आप चाहो तो इसको देखिए, इस तरीके से बढ़ा सकते हो। इसके ऊपर दूसरी पॉलीथिन रखेंगे। अब इस पराठे को देखिए, हाथ से इस तरीके से बढ़ाएंगे। इस तरीके से भी पराठे को बढ़ाना बहुत ही आसान है। मैंने आपको पराठे को बढ़ाने के भी 2 तरीके बता दिए हैं। आप आपकी पसंद के हिसाब से किसी भी तरीके से इनको बढ़ा लें। ये पराठे को देखिए, मैंने बटर पेपर पॉलीथिन दोनों में जमा लिया है। अब इनको हम कम से कम 5 से 6 घंटे या फिर ओवरनाइट के लिए फ्रीजर में रख देंगे। पराठे को फ्रीजर में रखे हुए ओवरनाइट हो चुकी है। ये पराठे देखिए कितने बड़े तरीके से जम गए हैं।
अब इनमें से एक पराठा हम निकालेंगे। ये पराठा देखिए कितनी बढ़िया तरीके से जम गया है। अब इस पराठे को हम सेकेंगे। तवे को हम जिस तरीके से रोटी के लिए गर्म करते हैं उस तरीके से गर्म कर लेंगे। अभी पराठे को तवे पर डाल देंगे। अब पराठे को सेकने के लिए फ्लेम को लो कर देंगे और लो फ्लेम पे ही पराठे को सेकेंगे, जिससे क्या है पराठा अंदर तक अच्छे से पक जाएगा। पराठा देखिए साइड से हल्का सा ड्राई हो चुका है, अब इसको हम पलट देंगे। अब इस पर अपनी पसंद के हिसाब से घी ऑयल लगाएंगे, मैंने देसी घी लिया है। अब इसको देखिए इस तरीके से दबाते हुए दोनों साइड से अच्छे से सेक लेंगे। ये पराठा देखिए दोनों साइड से सिक चुका है, अब इसको हम हटा लेंगे। ये देखिए कितना बढ़िया हमारा पराठा बनकर तैयार हुआ है। ये देखिए एकदम क्रिस्पी बना है। इसको मैं चाय के साथ सर्व करूंगी। अब देखिए मैं आपको टेस्ट करके बताती हूँ। आप इसको अंडे के साथ, चाय के साथ या अचार के साथ सर्व कर सकते हो, बहुत ही बढ़िया लगता है। यकीन मानिए हमारा बहुत ही टेस्टी पराठा बनकर तैयार हुआ है। आप भी मेरी इस रेसिपी को एक बार ट्राई जरूर कीजिएगा। आई होप आपको मेरी रेसिपी जरूर पसंद आएगी। बाय अल्लाह हाफिज़। फिर मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ।